अवैध रूप से रेती से भरे ट्रैक्टर को रोकने के लिए एसडीएम ने अपना वाहन ट्रैक्टर के सामने खड़ा किया। चालक ने वाहन रोकने के बजाय और स्पीड बढ़ा दी। इतने में एसडीएम का होमगार्ड जवान यश पाठक उसे रोकने के लिए नीचे उतरा, लेकिन चालक ने रोकने के बजाय गाड़ी को और तेज कर दी। सामने आते वाहन को देख आरक्षक तत्काल मार्ग से हटा। वहीं एसडीएम के वाहन से भी टक्कर होते होते बची, अन्यथा इस ट्रैक्टर की चपेट में आकर आरक्षित वाहन में बैठे एसडीएम साहब भी आ सकते थे, जिसके बाद चालक मौके से ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। हालांकि बाद में ट्रैक्टर पकड़ा गया, लेकिन चालक की तलाश जारी है। इस कार्यवाही में एसडीएम ने घटनास्थल से रेत का अवैध परिवहन कर रहे 6 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, इस क्षेत्र में रब्दा तटीय गाँव में है, और यहाँ पर लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अवैध उत्खनन हो रहा है, अवैध परिवहन हो रहा है। और आदरणीय कलेक्टर सर से जो निर्देश मिले हैं, सख्त निर्देश मिले हैं कि अवैध उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करना है, और उसके तारतम्य में आज हम लोगों ने ग्राम सिमरला और कप्पा स्थल आसपास के जो नर्मदा तटीय ग्राम है, हम लगातार यहाँ पर 4-5 दिन से नज़र रखे हुए थे, और आज जैसे ही हमें खबर मिली, सूचना मिली, हमारे द्वारा एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर आज की गई है। सर, कितने ट्रैक्टर जब्त किए? अभी हमें वहाँ पर 5 से 6 ट्रैक्टर मिले थे जो नर्मदा तट से जिनमें उत्खनन हो रहा था, परिवहन हो रहा था, और हमने 6 ट्रैक्टर जो हैं वो पकड़ लिए हैं। 2 ट्रैक्टर हमारे अभी हमने रवाना भी कर दिए थाने पर, और 2 ट्रैक्टर अभी आप परिसर में देख रहे हैं, और 2 अन्य ट्रैक्टर थे वो भी मिल गए, उनकी सूचना मिल गई वो कहाँ पर है, हमारी टीम पहुँच गई, और इस प्रकार कुल 6 ट्रैक्टर जो है वो आज हमने यहाँ पर अवैध परिवहन करते हुए पकड़े हैं। सर, कार्रवाई निरंतर जारी है? बिल्कुल, कार्रवाई जारी है और जारी रहेगी हमेशा। लेकिन मैं और मेरी पूरी टीम पूरी तरीके से सुरक्षित है। एक ट्रैक्टर वाला, ये कई बार हो जाता है जब हम कार्रवाई करने आते हैं तो कोई इस प्रकार की हरकतें कर देता है, तो अभी सब हम लोग सुरक्षित हैं, किसी प्रकार की कोई जनहानि या किसी प्रकार की किसी को कोई चोट नहीं पहुँची है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।